ये कहानी है फॉर्मर रग्बी प्लेयर और शादीशुदा स्कूल टीचर जून की, जिसकी लाइफ एक स्टूडेंट के चक्कर में लिटरली झंड हो जाती है। और ये पूरी मूवी में क्लियर नहीं होता कि क्या वो सच में उस स्टूडेंट से प्यार करता था या सिर्फ टाइम पास कर रहा था। जून जो एक स्कूल में जिम ट्रेनर है, लड़कियों को स्विमिंग के बेसिक सिखा रहा है और उन लड़कियों में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को जून पर क्रश है। उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम यंग है, जून को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सबसे ऊपर जाकर स्विमिंग पूल में कूद जाती है ताकि जून आकर उसको बचा सके और वो उसके टच को फील कर सके। और ऐसा ही होता है और वहाँ मौजूद लड़कियाँ यंग को बिच कहती है। जून की वाइफ है जो प्रेगनेंट है और वो अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। एक दिन जून सबको टॉस बॉल सिखा रहा था, लेकिन यंग को देखकर वो उसकी तरफ बॉल फेंकता है और यंग उस बॉल से हर्ट हो जाती है। जून उसकी चोट पर दवाई लगाता है और पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लगता। यंग कहती है कि वो किसी से नहीं डरती। फिर वो जून को हग कर लेती है। जून और उसकी वाइफ फैमिली डिनर कर रहे हैं और वहाँ पर वो सब जून के फाइनेंशियल कंडीशन पर बात कर रहे हैं। जून एक ग्रोसरी शॉप पर आता है और वहाँ यंग भी होती है। वो स्ट्रॉबेरी मिल्क पी रही थी और जून से उसका पेमेंट करने को कहती है। बाहर आकर यंग जून से पूछती है कि तुम रग्बी खेलते थे। जून कहते हैं हाँ, अगर तुम्हें खेलना है तो मैं तुम्हें ज्वाइन करवा दूंगा। फिर हम यंग को जून के साथ देखते हैं। जून रग्बी खेल रहा है और यंग उसे चीयर अप कर रही थी। जून का फ्रेंड जून से यंग के बारे में पूछता है और कहता है कि वो कितनी सुंदर है और उसकी किसी भी फ्रेंड से अपनी सेटिंग कराने को कहता है। जून कहता है कि फालतू बातें मत कर। यंग जून की कार में आईज क्लोज करके बैठी होती है। जून उसकी सीट बेल्ट लगाने लगता है और यंग कहती है कि वो उसे किस भी कर सकता है। जून इग्नोर करता है। यंग पानी के साथ खेल रही है और जून उसे देख रहा है। यंग भी उसको देखती है। यंग के जाने के बाद जून वहां आता है और खुले हुए टैब्स को बंद करता है। वहां उसे एक हेयर क्लिप मिलती है जो उसे लगा कि शायद यंग की है। वो उसे अपने पास रख लेता है। वहां घर पर जून की वाइफ कपड़े वॉश करने ले जाती है, तभी जून को याद आता है कि उसने यंग की हेयर क्लिप अपनी जेब से नहीं निकाली। वो अपने कपड़े चेक करता है तभी पीछे से उसकी वाइफ आती है और पूछती है कि क्या ढूंढ रहे हो। जून देखता है कि वो क्लिप उसकी वाइफ ने लगाई हुई है। उसकी वाइफ कहती है मुझे पता है, ये तुम मेरे लिए लाए थे, मुझे ये क्लिप काफी पसंद आई। रात में जून और उसकी वाइफ सेक्स कर रहे होते हैं लेकिन जून यंग के बारे में सोच रहा है और उसकी हेयर क्लिप को देख रहा है। एक दिन बारिश की वजह से जून और यंग स्कूल में फंस जाते हैं। यंग कहती कि बारिश रुकने पर वो वहां से चली जाएगी। यंग वही स्ट्रॉबेरी मिल्क पी रही थी। जून पूछता है कि तुम हमेशा यही फ्लेवर क्यों पीती हो। यंग कहती है उसे ये फ्लेवर पसंद है और जो चीज उसे एक बार पसंद आ जाए तो उसे कभी नहीं छोड़ती। जून कहता है तुम ऊपर जाकर चेंज कर लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। जून उसे अपनी जैकेट देता है। यंग कहती है कि तुम भी अंदर चलो क्योंकि मुझे डर लगता है। जून कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम किसी से नहीं डरती। यंग कहती है मुझे नहीं याद मैंने ऐसा कब कहा था। यंग अंदर जाकर जैकेट पहनती है लेकिन उसकी जिप नहीं लगा पाती। वो जून को हेल्प के लिए बुलाती है। जून हिचकिचाता है और फिर अंदर चला जाता है। वो जिप बंद करने की कोशिश करता है और यंग की बॉडी को ताड़ने लगता है। अचानक से बिजली कड़कती है और यंग जून को हग कर लेती है। फिर दोनों किस करने लगते हैं। तभी उन्हें गार्ड की आवाज आती है और वो दोनों छुप जाते हैं। यंग आवाज ही निकाल रही थी इसीलिए जून उसके मुंह पर हाथ रख देता है। गार्ड के जाने के बाद वो अपना हाथ हटाता है लेकिन यंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। जून डर जाता है कि यंग टपक ना गई हो, उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। वहाँ उसकी वाइफ लेट हो जाने की वजह से जून को लेने स्कूल आ जाती है और दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। जून यंग की वजह से परेशान रहता है और वापस स्कूल जाता है लेकिन यंग वहाँ नहीं होती, बस उसका फोन वहाँ पर होता है। वो पूरे स्कूल में यंग को ढूंढता है, स्टूडेंट से पूछता है। फाइनली उसे यंग मिल जाती है और वो पूछता है कि तुम ठीक हो। यंग कहती है कि वो बेहोश हो गई थी और होश आने पर तुम वहाँ नहीं थे तो मैं डर गई। जून कहता है तुम्हें देखने में वापस आया था लेकिन तुम मुझे वहाँ नहीं मिली। जून यंग से कहता है कि तुम कल जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, उसे सीक्रेट रखना। यंग कहती है ठीक है मैं किसी से नहीं कहूंगी प्रॉमिस, लेकिन यंग ये सब एक ब्लॉग में लिख देती है, बहुत ही सिडक्टिव वे में लिखती है और स्कूल की लड़कियां उसका ब्लॉग पढ़ लेती हैं और यंग का मजाक उड़ाती हैं। एक टीचर भी यंग का ब्लॉग पढ़ती है और प्रिंसिपल से बताती है। प्रिंसिपल यंग को बुलाकर उससे पूछता है कि जो कुछ भी तुमने लिखा है क्या वो सच है। यंग पूछती है क्या सब। प्रिंसिपल कहता है वही जो तुमने अपने ब्लॉग में लिखा है, क्या किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ किया है। यंग कहती है वो सब तो मेरी इमेजिनेशन है। प्रिंसिपल यंग से कहता है कि ऐसा कुछ भी मत करना जिससे स्कूल और टीचर्स की रेपुटेशन खराब हो, ऐसा करने से जून मुश्किल में पड़ सकता है।
उसके बाद जून यंग को इग्नोर करना शुरू कर देता है। जून बार में होता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं ये टीचिंग जॉब छोड़ना चाहता हूँ, मुझे कोच की जॉब करनी है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, जॉब चेंज करने का आइडिया फाइनेंशियली सही नहीं होगा क्योंकि तुम्हें बहुत से पैसों की जरूरत पड़ेगी और ये तुम्हारा दूसरा बच्चा है, कैसे पालोगे दो बच्चे। जून कहते हैं तू पागल है, ये मेरा पहला बच्चा है। यहाँ जून की बातों से ये भी पता चलता है कि उसकी वाइफ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए जून को उसे शादी करनी पड़ी और उसका रग्बी बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया और वो मजबूरी में टीचिंग जॉब कर रहा था। यंग जून को कॉल करती है लेकिन जून उससे बात नहीं करता। यंग जून को गिफ्ट भेजती है लेकिन जून उसे डस्टबिन में फेंक देता है। वहाँ जून की वाइफ जून को सरप्राइज देती है और वो जून से कहती है कि उसकी एक स्टूडेंट ने उसके होने वाले बेबी के लिए ये सब डेकोरेट किया है और वो स्टूडेंट यंग होती है। जून यंग और उसकी वाइफ एक साथ डिनर करते हैं। यंग कहती है कि वो आज रात यहीं रुकेगी। जून की वाइफ कहती है कि यंग के पेरेंट्स बाहर गए हैं और उसे अकेले घर में डर लगता है। यंग टेबल के नीचे से जून के पैरों को टच करने लगती है। जून की वाइफ उसे बताती है कि वो यंग को ट्यूशन देने वाली है। जून कहता है कि अच्छा आइडिया नहीं है। वो उसे कहता है कि यंग उसे लाइक करती है। जून की वाइफ उसे मजाक में लेती है और कहती है इस एज में अक्सर लड़कियों को अपने टीचर पर क्रश हो जाता है। रात में यंग जून के कमरे में आती है। जून घबरा जाता है, यंग को उसके कमरे में ले जाता है। यंग उसके साथ रोमांस करना चाहती है। जून उसे रोकता है लेकिन वो नहीं मानती। स्विमिंग की ट्रेनिंग के दौरान जून किसी और लड़की को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाता है और सीपीआर देने का तरीका समझा रहा होता है लेकिन वो लड़की उसे किस कर लेती है। ये देखकर यंग को काफी गुस्सा आता है। जिस लड़की ने उसे किस किया था वो नहा रही थी और कोई आकर उसे चाकू मार देता है। उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और जून अपनी फ्रेंड से कहता है कि उसे पता है ये सब यंग ने किया है। जून वापस घर आता है और उसने काफी पी रखी होती है। उसकी फ्रेंड उसके साथ होती है और यंग उन दोनों को साथ में देख लेती है। जून की वाइफ इस हालत में उन्हें देखकर उस औरत से पूछती है कि क्या जून और तुमने साथ में ड्रिंक किया है। उसकी फ्रेंड कहती है नहीं, जून ने अकेले ड्रिंक किया था। दरअसल जून की वाइफ जानती है कि जून और उसकी फ्रेंड पहले रिलेशनशिप में थे। जून की वाइफ उससे कहती है कि तुम्हें जून को इतना ड्रिंक नहीं करने देना चाहिए था, लोग गलत सोचेंगे। वहाँ यंग ट्यूशन ले रही है लेकिन यंग का ध्यान जून की वाइफ की रिंग पर होता है। यंग कहती है कि उसे वो रिंग पहननी है। जून की वाइफ मना करती है कि ये रिंग वो कभी नहीं उतारती लेकिन यंग कहती है कि मैंने देखा है कि तुम ये रिंग नहाते और सोते वक्त उतारती हो। जून की वाइफ उसे वो रिंग देती है और यंग वो रिंग पहनती है और जून की वाइफ से पूछती है कि तुम जून से कितना प्यार करती हो। यंग ये भी कहती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके लिए अपनी टांग तोड़कर दे सकती हूँ। यंग उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी फिंगर काट सकती हो। यंग के हाथ में एक कटर होता है। ये सब सुनकर जून की वाइफ अनकंफर्टेबल होने लगती है। वो यंग से कहती है अब तुम जाओ, हम कल पढ़ेंगे। यंग कहती है कि वो जून का वेट करेगी, वो आने वाला होगा। तभी वहाँ जून आ जाता है और यंग जून को डोर पर रिसीव करने जाती है। ये सब देखकर जून की वाइफ समझ जाती है कि यंग एक मेंटल केस है। जून स्कूल में यंग से मिलता है और कहता है कि वो ये सब हरकतें बंद कर दे, वो अपनी वाइफ को चीट नहीं कर सकता। यंग कहती है डोंट वरी, तुम्हारी वाइफ को कुछ पता नहीं चलेगा। जून कहता है लेकिन अब वो ये सब नहीं चाहता। यंग जून को ब्लैकमेल करती है और कहती है कि वो ये सब उसकी वाइफ को बता देगी। उसके बाद जून अपनी वाइफ से मिलता है और कहता है कि वो टीचिंग जॉब छोड़कर फ्रीलांसर कोच की जॉब करना चाहता है। उसकी वाइफ कहती है उनके होने वाले बेबी के लिए जॉब स्विच करना अच्छा आइडिया नहीं है। यंग जून के घर आती है और जून की वाइफ कुकिंग कर रही थी। खाने की स्मेल से यंग को उल्टी होने लगती है और यंग कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। जून की वाइफ को शक है कि ये बेबी शायद जून का है। वो ये कंफर्म करने के लिए जून का पीछा करती है। जून यंग के पास जाता है और उसकी वाइफ का शक कंफर्म हो जाता है। वहाँ जून यंग के साथ इंटीमेट होता है और जून ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। जून कहता है तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं कहीं तुम्हारा हाथ ना छोड़ दूं। यंग कहती है तुम ऐसा क्यों करोगे। जून की वाइफ यंग को अपनी रीडिंग एल्बम दिखाती है ताकि वो उसे बता सके कि वो और जून इस शादी से कितना खुश है लेकिन यंग उससे कहती है कि उसकी वेडिंग रिंग उसे हथकड़ी जैसी लगती है। जून इस शादी से खुश नहीं दिखता। ये सुनकर जून की वाइफ यंग से कहती है कि जून सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है, क्या कभी उसने उसे कॉल किया है या कभी उसको मैसेज किया है। यंग कहती है कि जब वो इंटीमेट होते हैं तो जून की हार्ट बीट तेज हो जाती है। ये सुनकर जून की वाइफ शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि वो तुमसे कैसे प्यार करता है। यंग उसे डिटेल्स में अपने और जून के सेक्स रिलेशन के बारे में बताने लगती है और बेहोश हो जाती है। जून की वाइफ ने यंग के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। वो यंग को हॉस्पिटल ले जाती है और इसमें वो जून की एक्स गर्लफ्रेंड की मदद लेती है। हॉस्पिटल में वो डॉक्टर से मिलती है और कहती है कि इसका अबॉर्शन करना है लेकिन डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद जून की वाइफ को बताता है कि यंग प्रेग्नेंट ही नहीं है। यहाँ तक कि यंग ने कभी भी किसी के साथ सेक्स भी नहीं किया है, वो वर्जिन है। ये सुनकर जून की वाइफ हैरान रह जाती है।
वहाँ यंग अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है कि तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया। वो जून की वाइफ को मारने लगती है। तभी वहाँ जून आ जाता है। इस मारपीट की वजह से जून की वाइफ को पेन शुरू हो जाते हैं और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ वो एक बेबी को जन्म देती है। वहाँ जून की फ्रेंड यंग को घर छोड़ने जा रही थी और यंग उससे कहती है कि उसने एक अजीब सपना देखा जिसमें वो भी थी। यंग के हाथ में वही कटर होता है और वो कार से उतर जाती है। वो उस लड़की से कहती है कि मैं अपना कटर वही सीट पर भूल गई हूँ। जून की फ्रेंड उस कटर को उसे देती है और यंग उस कटर से उसका गला काट देती है। नर्स जून के पास आती है और कहती है कि उनका बेबी कहीं नहीं मिल रहा। वहाँ यंग जून की वाइफ को कॉल करके बताती है कि उसका बेबी उसके पास है। जून और उसकी वाइफ अपना बच्चा ढूंढने निकल पड़ते हैं। जून की वाइफ स्कूल आती है जहाँ यंग उसका वेट कर रही थी। जून की वाइफ वहाँ आती है और यंग से पूछती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। यंग कहती है जहाँ वो है वहाँ तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगी। जून की वाइफ को लगता है कि यंग ने उसका बेबी टैंक में डाल दिया है। वो जाकर देखती है। यंग पीछे से आकर उसे टैंक के अंदर धक्का दे देती है। वहाँ जून को यंग के घर पर बेबी मिल जाता है। वो स्कूल आता है और यंग से पूछता है कि उसकी वाइफ कहाँ है। यंग उससे बोलती है कि उसे शादी कर ले, वो दोनों खुश रहेंगे। जून नहीं मानता। यंग उसे बता देती कि उसकी वाइफ टैंक के अंदर है। जून उसे बचाने जाता है। ये देखकर यंग को बुरा लगता है। वो समझ जाती है कि जून ने उसको नहीं अपनी वाइफ को चुना है। वो छत की दीवार पर चढ़ जाती है। जून उसे नीचे उतरने को कहता है। यंग नीचे कूद जाती है। जून उसका हाथ पकड़ लेता है। यंग उससे पूछती है कि अगर वो प्यार नहीं था तो क्या था। बोलो कि मेरे पास आने तुम्हारे दिल की धड़कने तेज नहीं होती थी। जून अपनी वाइफ से उसकी हेल्प करने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि उसका हाथ छोड़ दो, वो एक पागल लड़की है, वो हमें जीने नहीं देगी। जून का हाथ यंग के हाथ से फिसल जाता है। लास्ट में हम जून की वाइफ और उसके बेबी को देखते हैं और जून एक बेंच में बैठकर रो रहा होता है। शायद जून उस लड़की से प्यार कर बैठा था। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता।